नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आस्क जेन में। दोस्तों अगर आप आस्क जेन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख लीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि ये जो प्लेलिस्ट है इसमें आप पार्टिसिपेट किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो क्वेश्चन है वो आया है फ्रॉम सुबोधीप, एंड सुबोधीप इज आस्किंग, जेन जी आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन फ्रॉम टेक्निकल एस्पेक्ट्स, इट्स अबाउट अ DIY। Nowadays we use glass on tables, table top, or sometimes tables comes with full glass body. After using some years, the glass gets scratches. So my question, is there any DIY method to remove the scratches and give it a first day look? All right. तो सुबोधीप जी, थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ग्लास जो है ये एक काफी जो है हार्ड मटेरियल होता है, और इसपे से जो स्क्रैचेस हैं उसको निकालना इतना इजी नहीं होता। फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जो कार केयर सेंटर्स होते हैं, जो कार की बफिंग या पॉलिशिंग करते हैं, आप उनको अप्रोच कीजिए। उसके लिए जो है जो भी बफिंग टूल्स लगता है, जो भी पेस्ट लगता है, वो उनके पास में होता है, और ये जो बफिंग है वो लोग करके आपको दे सकते हैं। और जनरली ये लोग क्या करते हैं दोस्तों कि कार की जो विंडशील्ड है उसके ऊपर जो बारीक बारीक स्क्रैचेस होते हैं, मतलब वाइपर की वजह से जो ब्लेमिश पड़ते हैं या फिर हल्के फुल्के जो डस्ट पार्टिकल की वजह से जो स्क्रैचेस पड़ते हैं, उसको ये लोग निकाल देते हैं, और आपका जो कार का जो ग्लास है इसको ये बिल्कुल नया बना देते हैं। अब टेबल टॉप पे ये लोग करेंगे या नहीं, ये तो आपको जो है इसकी जानकारी आपको लोकली लेनी पड़ेगी। बाकी आपको जो है एक और बात बता दूं कि जो स्क्रैच होता है दोस्तों, यहाँ पे जो है जो सुपरफिशियल स्क्रैच है, मतलब जो सरफेस के ऊपर है, उसी को निकाला जा सकता है। और आप जो है एक छोटा सा टेस्ट यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। स्क्रैच के सरफेस में अगर आप उसको जो है आपके नाखून से फील कर सकते हैं, मतलब आपका अगर जो नेल है उसमें अगर अटकता है, इफ यू कैन फील इट, तो ये जो है वो डीप स्क्रैच माना जाएगा। और डीप स्क्रैच जो है वो नहीं निकाला जा सकता, या फिर वो जो डीप स्क्रैच है उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, और पूरी तरह से जो डीप स्क्रैचेस है वो नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे एक तो जो है आप जो कार डिटेलिंग सेंटर्स होते हैं या फिर जो बफिंग या पॉलिशिंग करते हैं उनके पास में जा सकते हो। अगर आप DIY करना चाहते हो तो इसके लिए एक चीज मिलती है जिसे कहा जाता है सेरियम ऑक्साइड पेस्ट। अब ये जो चीज है दोस्तों, इसको एक्चुअली इस नाम से नहीं बेचा जाता, और इसके ऊपर जो है ज्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोकल लैंग्वेज में इसको अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं सिरामिक का पेस्ट होता है, और सिरामिक इज ऑल्सो अ वेरी हार्ड मटेरियल। और हमें ये समझना है कि ग्लास को अगर आपको बफिंग करना है, मतलब बफिंग मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर जो मटेरियल है, एक्चुअली आपको वो मटेरियल निकालना है, मतलब जहां तक जो आपका स्क्रैच है वहां तक आपको वो मटेरियल निकाल निकाल के उसको स्मूथ करना है। तो इसी तरह से जो आपका स्क्रैच है वो निकाला जाता है। तो सेरियम ऑक्साइड पाउडर या सेरियम ऑक्साइड पेस्ट यूज करके अलॉन्ग विद बफिंग मशीन आप जो है आपके ग्लास को पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट कितना आएगा ये डिपेंड करेगा आपके ग्लास के ऊपर जो स्क्रैच है वो कितना डीप है या नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। दोस्तों अगर सेरियम ऑक्साइड पेस्ट या फिर पाउडर आपको लेना है तो लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बफिंग टूल्स के भी जो कुछ लिंक्स है उसको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए, और जो इंस्ट्रक्शंस है उसको भी पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाते हैं आजकल की आपको पॉलिशिंग किस तरह से करना है, तो केयरफुली कीजिए। अदरवाइज तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप प्रोफेशनली जो प्रोफेशनल्स होते हैं कार केयर सेंटर्स वहां पे चले जाइए। सो दैट्स इट फॉर दिस छोटा सा वीडियो गाइज। अगर वीडियो देखने में मजा आया तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और इस तरह के वाइड वेरायटी ऑफ टॉपिक्स हम हमारे चैनल पे कवर करते रहते हैं। अगर इस तरह के अलग अलग टॉपिक्स आपको देखना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे गाइज़।